Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10th CBSE NCERT book, chapter quadratic equation, exercise 4.3, question 1, part 2nd ko solve karenge. Previous video mein humne part 1 ko solve kiya tha, theek hai? So here question is, find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इस इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स को फाइंड करना है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पहले उस वीडियो को वॉच कर लें ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सीख सकें सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में, ओके। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था जो भी आपका फर्स्ट यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट होगा, ठीक है, यानी कि a, ये जो कॉफिशियंट यहाँ पे 2 है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट होता है इसको हम 1 के इक्वल करते हैं। यहाँ पे a = 2 है तो इसे पहले हम 1 के इक्वल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेक a = 1, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो डिवाइड कर दीजिए, 2x² - x/2 - 4/2 = 0। कंप्लीट इक्वेशन को ही डिवाइड करना होता है, ठीक है। 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 = 4। आओ आपकी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, x² + x/2 - 2 = 0। दिस इज योर इक्वेशन। नाउ अभी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो 1 के इक्वल हो गया है, यानी कि हमने फर्स्ट स्टेप अपने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप मैंने बताया था आपका जो मिडिल टर्म होगा यानी कि बी, ठीक है, ये जो भी x का कॉफिशियंट होगा b, इसका हाफ एंड देन उसका होल ऑफ स्क्वायर करके हम इस इक्वेशन में ऐड भी कर देंगे एंड सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो b है अगर आप कंपेयर करें देन 1/2 है, ओके। जो आपका b है अगर आप कंपेयर करें यहाँ से 1/2 है, हमें क्या करना है, इसका हाफ, 1/2 का हाफ करेंगे इट मीन्स इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ये टोटल आपका हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/4, ठीक है, 1/4। इसका होल ऑफ स्क्वायर आपको इस इक्वेशन में ऐड भी करना है एंड सब्सट्रैक्ट करना है। दिस इज योर सेकेंड स्टेप, ठीक है। आओ करते हैं इसे सेकेंड स्टेप को, x² + x/2 एंड देन प्लस 1/4 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4 होल ऑफ स्क्वायर, हमने ऐड भी कर दिया सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। नाउ ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लास्ट में लिखेंगे, -2 = 0, ओके। अभी थर्ड स्टेप सिर्फ और सिर्फ इसे कैलकुलेट करके कंप्लीटिंग स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पे मेक करनी है, ओके। अभी देखिए a² + b² + 2ab, यानी कि a + b का यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। सो दिस इज योर x यानी कि a प्लस 1/4 इज योर b, दिस इज योर होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4, 1 = 16 - 2 = 0। आप चाहें तो इसको x + 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन करके देखें, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए x + 1/4 होल ऑफ स्क्वायर अगर आप इसे ओपन करते हैं, सो a² यानी कि x² + b² 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, प्लस 2ab, राइट, 2a आपका यहाँ से x है एंड b 1/4 है, राइट। सो 2 × 2 = 4, ये आपका आ जाएगा x² + 1/4 होल ऑफ स्क्वायर + यहाँ से देखिए x है 2, ठीक, सेम आपका यहाँ पे ये बन गया, ओके। सो दिस इज योर x + 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर की आपकी आइडेंटिटी है। अब इसे कैलकुलेट करना है, दैट्स यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, x + 1/4
होल ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे 16 and 1 का एलसीएम आपका कितना आएगा, 16। ठीक है, 16 इसको डिवाइड करेगा तो 1 आपका बचेगा, 1 जो 1 को ही मल्टीप्लाई करेगा सो 1। ठीक है, माइनस है सो माइनस, 1 इस 16 को डिवाइड करेगा देन 16, एंड ये 2 को जब मल्टीप्लाई करेगा 16 to 32 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी देखिए दोनों ही माइनस में है तो 32 and 1 33 हो जाएगा आपका, एक्स प्लस 1/4 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 32 and 1 33 डिवाइड 16 इक्वल्स टू 0। हमें रूट्स फाइंड करने हैं, इट मीन्स इस फंक्शन को हमें अनदर साइड पे ट्रांसफॉर्म करना होगा। हम ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस 1/4 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे नेगेटिव था अनदर साइड पे 33/16 या पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, स्क्वायर आपको अनदर साइड पे ट्रांसफॉर्म करना है। स्क्वायर जब भी अनदर साइड पे जाता है तो प्लस माइनस के साथ में अनदर साइड पे रूट को ट्रांसफर करता है। ओके, सो यहाँ से एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स प्लस माइनस इन अंडर रूट 33/16 33/16। अभी देखिए 33 का तो रूट, ये किसी का रूट है नहीं, बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 16 जो है वो 4 का रूट होता है तो ये बाहर आ सकता है। दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। ठीक है, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया है, बट हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। इट मीन्स इसको पहले ए वन टाइम हमें पॉजिटिव एंड वन टाइम नेगेटिव के साथ में लेकर के सॉल्व करना है। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो व्हेन फर्स्ट हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स पॉजिटिव लेंगे सो अंडर रूट 33/4। ठीक है, हमें x की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो 1/4 को हम अनदर साइड पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कर दीजिए x इक्वल्स टू अंडर रूट 33/4। ये पॉजिटिव था अनदर साइड पे, नेगेटिव आ जाएगा 1/4। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है कैलकुलेशन में तो हम इसे वन टाइम नोट कर लेते हैं, तो ये वन टाइम नोट कर लिया हमने, यहाँ से अंडर रूट 33 माइनस 1। ठीक है, ये आपके पहले रूट की वैल्यू आ गई। ठीक है, वेन हमने पॉजिटिव लिया, अभी हम नेगेटिव ले लेते हैं। वेन एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 33/4। ठीक है, अभी देखिए पॉजिटिव है अनदर साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इट मीन्स माइनस अंडर रूट 33/4 एंड -1/4। सेम, ये आपका डिनोमिनेटर 4 है, एक्स इक्वल्स टू -4 एंड दिस इज योर अंडर रूट 33 एंड -1। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 33 -1/4, दिस इज योर सेकेंड रूट। ठीक है, ये आपका सेकेंड रूट की वैल्यू आ गई। सो हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर अंडर रूट 33 -1/4 एंड माइनस अंडर रूट 33 -1/4। ठीक है, ये आपके दो रूट्स आपको यहाँ पे सॉल्व करके मिल गए हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा, बिकॉज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत ही इजी है, सिर्फ 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करना होता है। फर्स्ट स्टेप है आपको यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट होगा इसको 1 के इक्वल करना है, मेक ए इक्वल्स टू 1। सेकेंड कॉफिशियंट यानी कि जो आपकी सेकेंड स्टेप है, बी यानी कि बी एक्स का जो कॉफिशियंट है बी, जो भी होगा आपका इक्वेशन में यहाँ पे 1/2 था उसका हम हाफ करेंगे एंड देन उसका स्क्वायर करके हमें इस इक्वेशन में ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद सिंपली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ
आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड चैनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू।